वो अभिनय आपका व्यक्तित्व रचता है। व्यक्तित्व की रचना जो है अभिनय से आपको प्राप्त होती है कि आप अपने व्यक्तित्व को कैसे देखते हो, कैसे समझते हो, कैसे लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हो। द एक्टिंग वर्कशॉप फिल्म थिएटर का जहाँ पे वर्कशॉप है, इसे जानना चाहेंगे सर, कितने आज स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे हैं? लगभग 40 के आसपास होंगे जी। इन्होंने मुझे बताया था कुछ 70 लोगों ने अपना इनरोलमेंट कराया है जी। तो 40 तो आ चुके हैं। तो क्या आज क्या क्या मतलब वर्कशॉप में क्या क्या होता है? देखिए, 7 दिन में तो ऐसा कुछ बहुत डिटेल तो कराया नहीं जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बेसिक्स जो हैं अभिनय के उसके बारे में अगर इन्हें बताएं तो बेसिक्स ही अगर ये अभ्यास करते रहें तो ये सारे सिद्धांत खुद खोज लेंगे, क्योंकि सिद्धांत जो है बेसिक्स पे बना है। लेकिन हम चूँकि सिद्धांत पढ़ने लगते हैं तो कन्फ्यूजन होने लगता है, इसलिए। तो क्या सर यहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगे एक्टिंग वर्कशॉप आज यहाँ पे, तो मैसेज क्या देना चाहेंगे सर? अब ये मसला पॉलिटिकल तो है नहीं और न सोशल है, ये तो पढ़ाई लिखाई का एक समझिए कि आयोजन है, कि जैसे एक स्कूल में या कॉलेज में एक टीचर या प्रोफेसर पढ़ाता है तो वो मैसेज यही दे रहा है कि भाई हम जो पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो तुम जान रहे हो उसका अभ्यास करो, उसका गुणन करो, मनन करो, वो धीरे धीरे ज्ञान में बदलेगा। तो मैसेज ये है कि आप लोग मेहनत करो, और आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि ये मेहनत करें तो आप उन्हें प्रमोट करें। सर इसमें कुछ खास क्या है सर? अभिनय में खास कुछ नहीं होता है, दरअसल अभिनय जो है अभिनय है वो हमारे व्यक्तिगत जो हमारा जो पर्सनल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो उसमें भी काम आता है। हो सकता है कि हम अभिनय अगर सीखें तो हो सकता है हम अभिनय ना करें, हम कहीं नौकरी करने चले जाएं। वो अभिनय आपका व्यक्तित्व रचता है, व्यक्तित्व की रचना जो है अभिनय से आपको प्राप्त होती है, कि आप अपने व्यक्तित्व को कैसे देखते हो, कैसे समझते हो, कैसे लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हो। दुनिया में क्या है? अपने को प्रस्तुत करना, और आज के समय में तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो जो अभिनय जब सीखना शुरू करता है आदमी, तो वो अपने शरीर के बारे में, अपने ध्वनि के बारे में, उस दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में, इससे बनते रचते हुई चीज़ों के बारे में जब वो समझने लगता है तो उसे ये भी समझ में आने लगता है कि सामने वाले को क्या चाहिए, और वो उसे देने लगता है। तो उसकी व्यक्तित्व की रचना होती है। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ सिर्फ उससे आप कुछ पा लोगे, इसकी संभावना तभी बनती है जब आप खुद कुछ करना चाहोगे, कोशिश करोगे। कितने लोग हैं जो ग्रेजुएट हो गए, मास्टर डिग्री ले लिए, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उनके पास सर्टिफिकेट है। तो उसी तरह से हम अभिनय सीखते रहे। एक बार मुझे याद है कि एक लड़के ने मुझे कहा कि मैं 7 वर्कशॉप कर चुका हूँ। हम बोले तुम 8वां करने क्यों आए हो? मतलब नहीं समझ में आती है कि हम रोज़ रोज़ जो है चले जाते हैं, मत्था टेकते हैं और कहते हैं कि जी मेरा जीवन जो है वो सफल कर दीजिए, जीवन में ये दे दीजिए, और आप जीवन के लिए कुछ करते नहीं हो। तो जहाँ जाकर मत्था टेक रहे हो वो आपका जेबत थोड़े भर देगा, उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत जो है आप कैसे करें उसकी एक दिशा यहाँ समझाने की कोशिश की जाएगी। धीरे धीरे आप रंगमंच से यहाँ तक पहुँचे हैं, यदि पिछले 3-4 सालों से पटना बिहार रंगमंच में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो रंगमंच नाटक करते हैं उनको रोजी रोटी से जोड़ा जाए, नाट शिक्षक की बहाली हुई, स्कूल कॉलेज में नाटक पढ़ाया जाए, ये स्लो चल रहा है, इसके बारे में क्या कहते हैं? भाई ये तो राजनीतिक विषय है। अब हम अगर जवान जब हुआ करते थे तो एक ही चीज़ होता था, आओ झंडा उठा लो, आओ जो है विरोध करो, आओ जो है उनको घेर लो, आओ जो है काम नहीं होने देंगे, आओ जो है सड़क बंद कर दो, आओ सरकार को गिरा दो। ये राजनीतिक बातें हैं। अगर ये आप करने को तैयार हैं, आपको जो रास्ता दिखता है आप उस रास्ते को अपनाएं, और ये जो आप कह रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। कि मेरा तो मानना है कि ये जो कल्चर है, जो आर्ट एंड थिएटर है, ये थिएटर को जो है, ये अभिनय को जो है एक्स्ट्रा करिकुलम में न डालें, इसको कंपलसरी सब्जेक्ट बनाएं। तब देखिए बच्चों का व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा। उसको एक्स्ट्रा करिकुलम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भाई?
ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि ये एक शुद्ध राजनीतिक विषय है, और राजनीतिज्ञ इस विषय पर क्या सोचने हैं उनको कंपेयर करें।